हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एसटीजी टेक्निकल। आज हम वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री टी के डायग्राम के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि ये देख पा रहे हो आप, ये फ़ोन का बैक से में फ्रंट साइड का एरिया है जहाँ से अपन बैटरी कनेक्टर लगाते हैं, देख लीजिए। तो पहले शुरुआत करते हैं हम नेटवर्क सेक्शन से। ज़्यादातर फ़ोनों में नेटवर्क ही प्रॉब्लम आता है। तो ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये जो एरो दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक वाले, ये ब्लैक वाले, ये ब्लैक वाले, मेरा माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक वाले, तो ये सभी आईसी के डॉट है। जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं, देख पा रहे हो आप। तो कोई भी आईसी अगर ख़राब होती है तो डॉट पहचानने में बड़ी आसानी जाती है। जैसे इधर में है ये नेटवर्क की WTR बोलते हैं जिसे हम, वो है ये, ठीक है। उसके बाद नीचे में ये रिंगर ऑडियो आईसी दिख रही है, ये MMC दिख रही है, ये कुछ बैटरी से रिलेटेड सेक्शन है चार्जिंग के, ये अपनी, और ये ब्लूटूथ वाईफाई और FMIC है। ये पूरा सेक्शन बना हुआ है, देख लीजिए। इसमें भी यहाँ डॉट दिया हुआ है, ये डॉट है क्रिस्टल का, ये छोटी IC का डॉट है, इसका भी डॉट है, ये डॉट है MMC का डॉट, ये रहा हमारा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये एरिया पूरा हमने कवर कर लिया है, देख लीजिए आप अच्छे से। अगर कुछ कवर छूट गया होगा तो मैं धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, देख लीजिए कुछ छूट गया होगा तो पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके बैक साइड एरिया में, ये वाला CPU साइड वाला एरिया। ये हमारा कैमरा कनेक्टर है, ये कुछ आईसियाँ लगी है छोटी छोटी, ये एक और आईसियाँ लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये सिम ट्रे में तो कोई उसका ज़रूरत नहीं रहता है। नीचे एक और ये पावर टाइप की कोई आईसी लगी हुई है। ये हमारा CPU सेक्शन है, ये दो बड़ी पावर आईसी लगी है दो, ठीक है। बस इतना ही है इसके अंदर, आप देख लीजिए। मैं इसको भी धीरे धीरे एक्सप्लोर आउट करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसी तरीके से हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो लाइक कीजिए। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय।